कन्नड़ की जानी मानी अभिनेत्री राम्या को पाकिस्तान की तारीफ करना महंगा पड़ गया है। अभिनेत्री से राजनेता बनी राम्या पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। दरअसल गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे से लौटने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान जाना नरक जाने जैसा अनुभव रहा। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता राम्या ने कहा कि पाकिस्तान नरक नहीं है, वहां के लोग बिल्कुल हम जैसे हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। हाल ही में राम्या सार्क सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान दौरे पर गई थीं और वहां से लौटने पर उन्होंने यह बयान दिया। उनके इस बयान से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कर्नाटक के मजिस्ट्रेट कोर्ट में राम्या के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की गई है, जहां 27 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। सोशल मीडिया पर भी राम्या के इस बयान से बवाल मच गया है। बयान को लेकर फजीहत होने के बाद अपने बचाव में राम्या ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, कोई भी किसी पर अपने विचार नहीं थोप सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। मैं बांग्लादेश और श्रीलंका को भी चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भारत छोड़ दूंगी। ये मेरा घर है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। भले ही राम्या ने अपने बचाव में अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला दिया हो, पर पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे गढ़ना इतनी आसानी से लोगों को पचने वाला नहीं है। देखते रहिए डीबी लाइव।